आखिरकार राजस्थान में शुक्रवार को लंबे इंतजार के बाद विभागों का बंटवारा हो गया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के पास गृह, कार्मिक आयोजन सहित कई बड़े विभागों का जिम्मा रहेगा, जबकि उप मुख्यमंत्री रिया कुमारी को पर्यटन, वित्त, कला संस्कृति, PWD, महिला बाल विकास और बाल अधिकारिता विभाग की जिम्मेदारी दी है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा की बात करें तो उन्हें तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, आयुर्वेद और परिवहन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। किरोड़ी लाल मीना को कृषि एवं उद्यानिकी, आपदा प्रबंधन, ग्रामीण विकास और जन अभाव अभियोग विभाग, गजेंद्र सिंह खीवसर को चिकित्सा विभाग, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को उद्योग एवं वाणिज्य, DOIT, युवा मामले, सैनिक कल्याण और कौशल विभाग की जिम्मेदारी, मदन दिलावर को स्कूल शिक्षा, पंचायती राज विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी, कन्हैया लाल चौधरी को PHED और भूजल विभाग, जोगाराम पटेल को संसदीय कार्य और विधि एवं न्याय विभाग, सुरेश सिंह रावत को जल संसाधन और अविनाश गहलोत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जोराराम कुमावत को पशुपालन, गोपालन और देवस्थान विभाग, बाबूलाल खराड़ी को जनजातीय क्षेत्रीय विकास और गृह रक्षा विभाग, हेमंत मीणा को राजस्व विभाग और उपनिवेश विभाग, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को कृषि विपणन, कृषि सिंचित क्षेत्र विकास, इंदिरा गांधी नहर और अल्पसंख्यक मामला व वक्फ विभाग की जिम्मेदारी। संजय शर्मा को वन विभाग, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का स्वतंत्र प्रभार का जिम्मा दिया गया है। गौतम कुमार को नागरिक उड्डयन और सहकारिता विभाग का स्वतंत्र प्रभार, झाबर सिंह खर्रा को नगरीय विकास एवं स्वास्थ्य शासन विभाग का स्वतंत्र प्रभार, हीरा लाल नागर को ऊर्जा विभाग का स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री ओटाराम देवासी को पंचायत राज, ग्रामीण विकास एवं आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी, राज्य मंत्री मंजू बाघमार को PWD, महिला बाल विकास और बाल अधिकारिता विभाग की जिम्मेदारी, राज्य मंत्री विजय सिंह को राजस्व, सैनिक कल्याण और उपनिवेश विभाग की जिम्मेदारी, राज्य मंत्री के विश्नोई को उद्योग, युवा मामले, कौशल नियोजन और नीति निर्धारण विभाग की जिम्मेदारी, राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम को गृह, गोपालन, पशुपालन और मत्स्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।